सूर्य डूबने के बाद करते हैं घर की सफाई, तो जान लीजिए ये बातें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का माय ज्योतिष पे। हमने अधिकतर घर में ज़रूर ही सुना होगा कि सूर्य डूबने के बाद घर की सफाई करने से अशुभ होता है। क्या सच में ऐसा होता है या फिर ये एक भ्रम है? हमारे समाज में अगर किसी भी प्रथा का प्रचलन है, उसका कुछ ना कुछ कारण होगा, जिसलिए वह पुराने समय में प्रचलित हुई होगी और अब तक चलती आई है। लेकिन अगर किसी प्रकार के बारे में आज के समाज से पूछो तो बस सिर्फ वह यही बोलते हैं कि यह एक कुप्रथा है। लेकिन सूर्य डूबने के बाद घर की सफाई करने में कैसा अशुभ है, इसका कोई भी लेख उपलब्ध नहीं है और ना ही किसी ग्रंथ वेदों पुराणों में वर्णन है। तो फिर कैसे आया और हमारे समाज में प्रचलित कैसे हुआ? कुछ जानकार लोगों से पता लगने के बाद में पता चला यह प्रथा काफ़ी पुरानी है। जब लोगों के घरों में उजाला का कोई साधन नहीं होता था, सिर्फ दिए या दीपक जला करते थे और मकान भी घास पुष्कर हुआ करता था। वह लोग सूर्य डूबने के बाद घर की सफाई इसलिए नहीं करते थे कि कोई काम का सामान गिर जाता था या रात के अंधेरे में या दीपक के प्रकाश में नहीं दिखता था तो उसे सुबह ढूंढ सकते थे, और घास फूस के मकान होने के कारण आग लगने की संभावना अधिक होती है, क्योंकि दीपक गिरने से या किसी कारण से उनके घास फूस के मकान जलकर खाक हो सकते थे। कुछ समय बदला लेकिन इस प्रथा ने एक नया रूप ले लिया और हमारे समाज में प्रतापगढ़ करवा रहे हैं, जो अभी तक चल रही है। लेकिन ना तो स्वर्ग रोकने के बाद घर की सफाई करने से कोई अशुभ होता है और ना ही इसका कहीं वर्णन है। यह प्रथा भारतवर्ष में काफ़ी राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और अन्य राज्यों में भी है। अगर कोई रिश्तेदार आता है तो उसके जाने के बाद घर में कोई झाड़ू तब तक नहीं लगाता है जब तक वो अपने जगह ना पहुंच जाए। अगर ज़्यादा दूर जाना हो तो 2 घंटे 6 घंटे के बाद लगाना है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो कुछ अशुभ हो सकता है या घर की धन हानि भी हो सकती है। लेकिन इस मान्यता का भी कोई सबूत नहीं मिलता है और ना यह मिलता है कि यह प्रथा कब और कहाँ से शुरू हुई। कई जानकार और आचार्यों से पूछने पर कुछ थोड़ा बहुत मालूम होता है कि ऐसा प्रचलन पुराने समय में प्रचलित थी। जब राजा किसी भी युद्ध में जाए तो राजमहल में किसी भी प्रकार की साफ सफाई नहीं होती थी जब तक कि राजा वापस ना आ जाए। धन्यवाद।